I've been fucking with some poppin' pills, man, I feel it's like a rockstar. ये जो बैकग्राउंड में सॉन्ग सुनो ना, हाँ मैं इसी सॉन्ग की बात कर रहा हूँ। ये कॉम मतलब नॉर्मल सा सॉन्ग है, तुम्हें बताओ यार, नॉर्मल सा सॉन्ग है यार। और फाइनली हजारों किलोमीटर तक मेरे बंजर फोन के बंजर स्क्रीन पे चलने के बाद मुझे मिल गया फाइनली ये सॉन्ग। और ये सॉन्ग तुम्हें हर एक माइनक्राफ्ट हिंदी यूट्यूबर के बैकग्राउंड में मिल जाएगा, बस मेरे नहीं मिलता था, फाइनली मुझे हजारों किलोमीटर तक चलने के बाद मिलेगी। अब तुम इसे फुल साउंड में सुनो, नहीं तो सुनेगो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस सॉन्ग का नाम बता दूंगा? नहीं यार, नहीं बताने वाला मैं, एकदम भी नहीं बताने वाला, सच्ची बता रहा हूँ। और मुझे भी किसी ने नहीं बताया था, ताकि तुम्हें भी पता चले कितना मतलब मेहनत लगा इस सॉन्ग को ढूंढने के लिए। मैं तो नहीं बताने वाला, किसी और से पूछ लेना बाबा। आई नो कि तुम्हें भी ये सॉन्ग का नाम चाहिए, लेकिन मैं नहीं दूंगा, लेकिन एक छोटा सा हिंट दे सकता हूँ, और हिंट तुम्हें मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ओके तो अब ये सब चीज़ छोड़ देते हैं और चलते हैं आगे मतलब वीडियो की तरफ। एंजॉय। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या ले आप लोग, उम्मीद है सब। आज हमारे पास बहुत सारे अपडेट, और यार एक सर न्यूज है कि हमारा जो गद्दा है वो मर चुका है। और जब हम कोल माइन पर थे तो हमें एक बहुत ही अजीब चीज मिली थी, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले श्रद्धांजलि। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि ये जो मेरा वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है मेरे लिए यार, जानती हो 2 GB का तो फूल है, मर जाएगा फोन। इसलिए मैं ऑप्टिफाइन लगा दूंगा यार, क्योंकि ऑप्टिफाइन नहीं लगाया तो फिर वो हो जाएगा यार, वर्ल्ड शायद क्रैश कर जाएगा। मैं चाहता नहीं हूँ फिर से क्रैश हो जाए, मुझे लास्ट टाइम तो वो ग्लिचेस के कारण छोड़ दिया था, लेकिन इस बार क्रैश ना हो जाए इसलिए मैं ऑप्टिफाइन लगा लूँगा। और ऑप्टिफाइन लगाने से थोड़े से ग्राफिक्स कम हो जाएंगे, लेकिन जो शेडर्स हैं शेडर्स रहेंगे, मतलब डल नहीं लगेगा आपको माइनक्राफ्ट, मतलब ऐसे ही रहेगा सब चीज़ एकदम शाइनी। या फिर मे भी हो सकता है कि यहाँ पे जो ढेर सारे विलेजर देखिए छोटे से जगह पे हैं इसलिए लैग कर रहा है, तो इस जगह को थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे, ऐसा भी हम सोच रहे हैं। और हाँ बाय द वे, यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होने स्टार्ट हो गए, ये तो अगर हम विलेजर एक भी हिट करते हैं तो वो आयरन गोलम हमें मार देंगे। और ये रहा हमारा गधा का ग्रेप, थैंक यू गधा, इतना सारा सामान ढोने के लिए हमारा ऊपर लिखा हुआ RIP गधा। और मुझे गधे के लिए बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैंने इस मुर्गी की मतलब मुर्गी का नाम रख दिया गधा। तो अब हम आपको वो चीज़ दिखा देते हैं जो कि हमें मिली थी माइनिंग करते वक्त, बहुत ही अजीब चीज़ थी, आयरन जैसी चीज़ थी वाइट कलर की, लेकिन वो आयरन नहीं थी सच्ची में। हमने इसे माइन करके देखा था तो लिखा हुआ लोड और लिखाया था, और इसके बाद फिर हमने इसे वापस से रख दिया उसी पोजीशन पे। तो इसे वापस माइन कर लेते हैं यार, ये देखो लोल्ड ओर करके लिखा रहा है, ये देखो तो ओर है, तो इसका मतलब इसे तो हम फर्नेस में ही मतलब वो स्मेल्ट करना होगा, ओर का तो हर बार यही होता है, इसका भी यही होगा यार, और तो कुछ हो नहीं सकता। चलो देखते हैं फिर भी। तो यहाँ से हमें मिल चुकी है 7 लोल्ड ओर, इतना अजीब सा नाम है ना, लोल्ड ओर, वाह इसने सोचा होगा यार ऐसा नेम माइनक्राफ्ट, क्या ये लोल्ड ओर।
तो हम जल्दी से घर चलते हैं और इसे मल्चिंग के लिए लगा देते हैं। ये लैग देखा आपने? हाँ, गंदा वाला लैग था, लग रहा 60 FPS से नहीं 20 FPS तक। यार तुम अपने मुंडी को ऐसे क्यों कर सकते, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे? रुक जाओ यार, अभी देता हूँ। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये तो मस्ती वगैरह साइड में, तो हमारी थोड़ी सी ये क्या बोलते हैं लोल्ड इनगट रेडी हो चुकी है, तो इसे एक निकाल लेते हैं। कहते हो हमने एक निकाल लिया, तो गाइस ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही थी, तो इस वीडियो को अभी यहीं तक ख़त्म करते हैं। और अगर इससे आगे जो भी हुआ वो देखना है आपको, तो इस वीडियो पे बस 6 लाइक कर दो, और पार्ट 2 कमिंग सून।